यस माय डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे स्टेजस ऑफ केटाबोलिज्म को इसमें हम लोग एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखेंगे एनर्जी जो बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी के रूप में वो क्या होगा एनर्जी जो होगी बाहर निकलती है अगर मैं स्टेजस ऑफ केटाबोलिज्म की अगर बातें करूँ तो बेसिकली केटाबोलिज्म तीन स्टेजस होते हैं फर्स्ट स्टेज इस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन दियर बिल्डिंग ब्लॉक्स सेकेंड स्टेज जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इंटरमीडिएट्स। स्टेज थ्री फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को एनजेम फर्स्ट स्टेज को समझते हैं दट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिकल्स इन देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉलिसक्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है मोनोसेक्रेट्स में लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है फ्री फैटी एसिड्स एंड गोल में और प्रोटीनस की ब्रेकडाउन होती है एमिनो एसिड्स पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिकल का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फॉर्म में अब सेकेंड स्टेज की बातें करते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इंटरमीडिएट्स इसमें क्या होती है जो भी बिल्डिंग ब्लॉक प्रोड्यूस हुए थे फर्स्ट स्टेज में वो क्या होते हैं टूट के एसीडियल को कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब द बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज आर ब्रोकन डाउन एसिटाइल डाउनजेप हम लोगों ने देखा जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोड्यूस हुए थे दैट इज मोनोसेक्राइड्स एमिनो एसिड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की बात मैं कर रहा हूँ जो स्टेज वन में प्रोड्यूस हुए थे वो बदल के कन्वर्ट हो जाते हैं किस में सिंपल इंटरमीडियट्स में दैट इज एसिटाइल कोंज इसके अलावा पायरोपिट भी होते हैं तो ये जो है इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कार्बोहाइड्रेट से या लिपिड से या प्रोटीन से सेकेंड स्टेज में क्या होते है स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी को भी कैप्चर किया जाता है एनर्जी किस फॉर्म में की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में अब हम फाइनल स्टेज की बातें करते हैं दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ केटाबोलिज्म दैट इज फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटल कोजैम एसीटल कोजैम फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में इसके अलावा इसमें और दो मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं दैट इज एन और एफ ये जो दो मॉलिक्यूल हमने देखा जो प्रोड्यूस हुए हैं दैट इज एन और एफ ये आगे जाकर ऑक्सीडाइज होंगे और ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ईटीसी टी सी वहाँ से वो हमको क्या करेंगे लास्ट क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एनर्जी हमको मिलेगी वो एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे समझने वाली बातें यहाँ पे ये यह है वन मॉलिकुलर पर एन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरते हैं तो वो तीन एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं हमेशा इस बात को याद रखिएगा बिल्कुल वैसा ही वन एफ टू जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरते हैं तो टू ए को प्रोड्यूस करते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं इनकी एक कॉमन मेटाबॉलिक पाथ हुए दैट इज क्रेप साइकिल या टी साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल हम इसलिए कह सकते हैं जो क्रेप साइकिल होती है इट इज द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे हुए इन द फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स and this pathway accepts the carbon compounds derived from carbohydrates, lipids or proteins. मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैटाबोलिज्म के तीन स्टेजेस होते हैं स्टेज वन में हम लोगों ने देखा पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स एंड गोल्स में प्रोटीन जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में स्टेज टू में हम लोगों ने समझा जो मोनोसेक्राइड्स से, है फैटी एसिड ग्लिस्टेरोल एंड एमिनो एसिड्स है ये सब के सब क्या होते हैं इनकी डिग्रेड होके ये एक इंटरमीडियट्स को बनाते हैं वो इंटरमीडियट्स यहाँ पे कौन है दैट इज एसिडियल को आगे जाकर इस एसिडियल कोम का क्या होता है जो फाइनल स्टेज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर और साथ में रिलीज करते हैं एन और एफ को और आपको पता है कि एक एन मॉलिकल से हमको थ्री ए प्रोड्यूस होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरते हैं बिल्कुल वैसा ही वन मॉलिकल ऑफ फी टू प्रोड्यूस करेंगे टू ए को इस स्टेज में हम लोगों ने ये भी देखा है कि साइकिल जो होते हैं कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके एक छोटी सी लाइक दे दीजिए छोटी सी कमेंट दे दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें थैंक यू